नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजहंस खिलाड़िया। मैं आज आपको ऐसे एक्टर से रूबरू कराना चाह रहा हूँ भाई, कि जो सभी तरह की आवाज़ निकाल लेते हैं, मतलब सभी एक्टर की, किसी जानवर की, किसी पक्षी की, सभी की आवाज़ निकाल लेते हैं। आज आपको मैं ऐसे एक्टर से रूबरू कराऊंगा जो आपको सभी तरह की आवाज़ निकाल के दिखाएंगे। तो आज आपसे इनसे परिचय कराता हूँ भाई। इनका नाम आकाश सैनी है। आप अपना परिचय दिए आज। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आकाश, मिमिक्री आर्टिस्ट। दोस्तों मैं आवाज़ निकालता हूँ बहुत से एक्टरों की, जानवरों की। अभी मैं प्रैक्टिस ही चल रही है मेरी, गलती भी होती हैं। आप कमेंट में मुझे बताना क्या गलती हुई, आपको कैसी वीडियो लगी, पसंद लगी तो आप बताना। मैं आपको बहुत से स्टार हुए, और भाई भी सॉन्ग बनाते हैं, बहुत प्यारे प्यारे सॉन्ग बनाते हैं। उन्होंने अभी दो सॉन्ग निकाल भी चुके हैं ये तो। दोस्तों अभी ये भी रिस्क ले रहे हैं, अभी ऐसा कुछ नहीं है कि पैसा आ गया, ऐसा अभी पैसा 1 रुपया नहीं आया। बहुत पैसा फूक चुके हैं, 1-1.5 लाख रुपए फूक चुके हैं। अब भी दो सॉन्ग ये एक साथ निकालेंगे तो भाई को सपोर्ट करना। भाई का यूट्यूब पर चैनल है RBS किंग राइटर के नाम से, तो सपोर्ट करना भाई, बस मेरा तो यही कहना है। जी, इनका भी भाई एक यूट्यूब चैनल है, आकाश सैनी 143। आकाश सैनी 143, इस पर भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियो मिलेगी आपको, मिमिक्री की, किसी एक्टर की, किसी बकरी की, या किसी भैंस की, या किसी जानवर की, सभी तरह की आवाज़ आपको मिलेगी भाई। बहुत अच्छी आवाज़ निकालते हैं, और देख कर जरूर बताना भाई कमेंट में कि आवाज़ कैसी है कैसी नहीं, कि कुछ गलती भी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना भाई। तो आज आपको मैं इनसे आवाज़ निकाल के सुनवाता हूँ। मुझे ऐसा लगता था कि कहीं आवाज़ इनकी फेंक तो नहीं है, कि कॉपी करते हो। तो मैं आज आपसे रूबरू इनसे बात करूँगा कि सच में ये आवाज़ निकालते हैं भी है ये या नहीं। ठीक है, तो आज सबसे पहले आपको मैं आवाज़ निकलवा कर दिखाता हूँ भाई। आकाश भाई, आप निकाल कर दिखाओ प्रेम साहब की। बरखुरदार, हम तुम्हें समझा रहे बेटा साईं, प्राण साहब को धमकी दे दी तुमने, अब हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। इसका मतलब यह नहीं है, अभी हमारा वक्त बुरा चल रहा है बरखुरदार, वरना हम तुम्हें अभी बता देते हम क्या चीज हैं। तुम्हारे बाप को हमने गोदी में खिलाया और तुम हमसे टक्कर लेने आ गए। तुम्हारे बाप दादा की उम्र के हैं बरखुरदार, और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और भाई को भी सपोर्ट करना। बहुत अच्छा आकाश भाई। मैं अगले एक्टर की आवाज़ आप मुझे बताना भाई, ओमपुरी की। ओमपुरी जी जी बहुत बड़े सुपरस्टार हैं, वे चाइना गेट मूवी में दिखाए हैं, उनका पूरी मूवी उनके ऊपर ही आधारित है, चाइना गेट। जी तो ओमपुरी जी की मिमिक्री निकाल के दिखाता हूँ। अच्छी तरह जानता हूँ मैं जगीरा को। तुम क्या जानते हो जगीरा के बारे में? जगीरा कोई मामूली आदमी नहीं है जो चलते फिरते ऐसी हाथों में आ जाएगा। जगीरा को पकड़ने के लिए कोई ना कोई जाल बिछाना होगा, कुछ हमारे पीछे के रास्ते जाएंगे, कुछ सामने के रास्ते से। और जगीरा जब मैं देख कर पहली फाइटिंग कर देगा तभी तुम गोली चला देना, और जब भी मैं जगीरा को घेर लूंगा। बहुत अच्छा आकाश भाई। अब अगले एक्टर की आवाज़ बताना मुझे, शाहरुख खान की। जी जी शाहरुख खान की आवाज़। सलाम बहुत मारा अपन को, तो उनको पकड़ना मुमकिन नहीं, नामुमकिन है। ए काजल समझाना, इन्होंने मुझे मारा, मैंने इनको मारा हिसाब बराबर, लेकिन अब हाथ उठाया मैं छोड़ूंगा नहीं। ए साला हाथ नहीं लगाने का, ए समझाना, तू वहाँ का कर, ये मेरे को मार डालेंगे। आकाश भाई बहुत अच्छा, मेरा ऐसा लगा कि यह कि हकीकत में कि भाई शाहरुख खान ही आगे, मैं डर गया था भाई। बहुत अच्छा भाई आकाश भाई। अब अगली भाई मिमिक्री आप मुझे करके दिखाना भाई, अमरीश पुरी की। बहुत ही पुराने वो भाई कलाकार, वैसे बहुत अच्छे वैसे अब नहीं रहे। ये दुनिया में नहीं रहे, तो अमरीश पुरी की आवाज़ निकालता हूँ। जी और दोस्तों बताना कैसी लगी, जी कमेंट में ज़रूर बताना हमें। बहुत मेहनत करते हैं भाई आकाश भाई हमारे, और बहुत अभी अच्छी। चल रही है, अभी शुरुआत ही है, मतलब कि इतना बड़ा एक्टर तो नहीं हूँ मैं, गलती हो जाती है, और गलती इनमें भी हो ही जाएगी मेरी थोड़ी बहुत, बताना कमेंट में ज़रूर। तो स्टार्ट करते हैं अमरीश पुरी जी की। जी अरे भाई, अरे भाई साका, लगता है आज फिर मंडप जला कर आए। शाका का बच्चा तो मंडप चलाते, चिल मरेगी जो आग, चमाने में लगा दूंगा मैं, जो तेरी डोली उठी चमाने को जला दूंगा मैं। पागल है दीवाना है, शायद इसे ये नहीं पता कि आतंकवादी की कोई प्रेम कहानी नहीं होती। प्रेम कहानी में एक लड़का होता है, एक लड़की होती है, कभी सुना है कोई आतंकवादी होता है?
क्योंकि आतंकवादी की प्रेम कहानी होती नहीं है, लेकिन एक माची की तो प्रेम कहानी होती है ना धारा। बहुत अच्छा आकाश भाई, अब अगली मिमिक्री आप मुझे करके दिखाना भाई, नाना पाटेकर की। नाना पाटेकर जी कैसे हंसते हैं? आ गई मैं मौत का तमाशा देखने, अब मुझे लटका देंगे जमाने से भाई, कैसे तुम ये जिक्र करते हो, घर को जाना, खाने का ना सो देना, ऊपर वाले भी ऊपर से देता हो तो उसे शर्म आती होगी, सबसे जिन मैंने तीन साल नीचे देखा तो साले सबके सब गिरफ्त नहीं, यह जात पात करने पर तुम्हें भड़काते, तुम्हें गले काटे तो काटो काटो, क्रांति वाले अपने कलम का जोड़ते देश को आज़ाद करना चाहते थे, लेकिन कौन समझा उसकी बातों को, सब साले मुड़ते, मैं जाग गया, मैं जा रहा हूँ, लेकिन एक बार बता देता हूँ, मैं तुम्हारी ये बुद्धली तुम्हारे मध्यान की एक दी, तुम्हारी भी बच्चों के लिए रोना बजाएगी। बहुत अच्छा आकाश भाई, बहुत बढ़िया, आपके पास बहुत अच्छी निकालते हैं आप भाई, बहुत अच्छा भाई, दिल दिल से सपोर्ट करना भाई आकाश भाई को, इनका यूट्यूब चैनल है भाई आकाश सैनी 143, ठीक है, कमेंट करके भी जरूर बताना भाई कि वीडियो कैसी लगती है कैसी नहीं, और तो भाई को भी सपोर्ट करना भाई, जरूर एक बार गाना जरूर देखियो जी। मेरा भी एक यूट्यूब चैनल है भाई RBS किंग राइटर, मैंने भी दो पहले सॉन्ग कर चुका हूँ भाई उस यूट्यूब चैनल पर पड़े हैं, एक तो है तने ठाले जा चमार का भाई, दूसरा सॉन्ग है मेरा क्यूट ना करा, अब और दो कंटेंट वो ला रहा हूँ, बहुत न्यू धमाका लाएगा भाई, एक बदमाशी सॉन्ग रहेगा आपको बता देता हूँ, और एक है भाई DJ सॉन्ग यार के साथ ही, ठीक है, अब आज अगली वीडियो सुनते हैं इनसे भाई आकाश भाई से, आप मुझे आवाज़ सुना के दिखाओ भाई राजकुमार की। गैर स्वामी ना तलवार की दासी ना गोलियों की बोसासी, अब अंदाजा चाहिए तो बड़बति गाशी, और हिंदुस्तान का खात्मा, हिंदुस्तान का खात्मा तो सदियों से कोई नहीं कर सका, और तुम्हारी तो औकात ही का गेंडे स्वामी, हम तुम्हें मारेंगे और ज़रूर मारेंगे, लेकिन वो गोली भी हमारी होगी, बंदूक भी हमारी। बहुत अच्छा भाई आकाश भाई, अब अगली मुझे मिमिक्री करके दिखाओ भाई सनी देओल की, बहुत अच्छे एक्टर है भाई, वे भी बहुत अच्छे मूवी निकालते हैं, उनकी मिमिक्री करके दिखाओ। सनी देओल जी का मैं घातक मूवी का पूरा डायलॉग लेता हूँ, कैसे कैसे वो बोलते हैं। काशीनाथ हमें खुशी हुई तुम्हारी बात देख कर, तुम्हें भी खुशी होगी जानकर आज से तुम हमारे गिरोह में काम करोगे। ये मजदूर का आतेकातियाँ लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है, मुझे किसी के टुकड़ों पर पलने की जरूरत नहीं, मर्द बनने का इतना शौक है ना, तो कुत्तों का साथ लेना छोड़ दें, वरना कुत्ते की मौत मारूंगा, सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा। एक और डायलॉग लेते हैं ऐसा, और चट्टा समझाई से ऐसे खिलौने बाजारों में बहुत बिकते हैं, पर इन्हें खेलने की जगह चाहिए ना, वो किसी बाजार में नहीं बिकता, मर्द उसे लेकर पैदा होता है, लेकर। हाँ तो भाई अगली भाई आकाश भाई आपसे वीडियो सुनते हैं, मतलब कि मिमिक्री सुनते हैं भाई, भोजपुरी एक्टर है किसी, ठीक है, आप बताना भाई रवि किशन की। जी रवि किशन की जी, अभी मेरी प्रैक्टिस चल रही है रवि किशन की मिमिक्री की, दोस्तों बताना कैसी निकल रही है, अभी प्रैक्टिस ही कर रहा हूँ, तो रवि किशन जी का जी फर्स्ट बार है भोजपुरी की भाई, तो लेते हैं उसका उनका कोई डायलॉग, सांसद भी है इस बार जी। तो रवि किशन जी की मिमिक्री। अरे भैया तुम पगला कर होगा, अपन को तो रवि किशन वहाँ जाना था नहीं यार, अरे भैया अपन के भोजपुरी के सुपर स्टार वहाँ यार, सपोर्ट करना बस, या अपन का भाई भाई वा बस यार, भाई बहुत अच्छा सॉन्ग बनाता नहीं यार, बस भाई को सपोर्ट करना, अब उन पर भोजपुरी तो आती नहीं यार, तुम पगला गए होगा, बस ऐसी प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाँ भाई दोस्तों, वैसे तो बहुत एक्टर की आवाज़ निकाल लेते हैं, बहुत ज़्यादा एक्टर है, बहुत वैसे बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आज आपको भाई इनसे मतलब जानवर की आवाज़ निकलवा के दिखाते हैं भाई, पहले फर्स्ट टाइम निकलवाते भाई बकरी की, देखते हैं कि बकरी की आवाज़ निकालते हुए भी अच्छी नहीं, तो चलते हैं आज आपके किसी के घर पर, चलो भाई आकाश, तो देखते हैं भाई आप, आज आपको मैं लाइव दिखाता हूँ कि बकरी की आवाज़ निकालते हैं भी नहीं भाई, आकाश भाई निकाल के दिखाऊँ। हाँ जी लाट दो, आ जा, आज आवाज़ निकालता हूँ, बोल भी जाइए। निकाल के दिखाओ भाई आकाश भाई आवाज़, तो इसकी आवाज़ निकालते हैं। आवाज निकाल रहा हूँ आपका सामने निकाल रहा हूँ भाई, यार एकदम रियल है भाई, एकदम रियल बिल्कुल। तो
देखे भाई बहुत अच्छी भी इन्होंने बकरी की आवाज निकाली, देखता हूँ मैं भी कोशिश करके भाई, राजांश खिलाड़ी मेरा नाम है, मैं भी देखता हूँ आज आवाज निकालता हूँ नहीं बकरी की भाई, आवाज कैसे निकल एक बार और कोशिश करता हूँ नहीं भाई। हाँ भाई देखो मेरे से भाई नहीं आवाज निकल पा रही भाई, आकाश भाई बहुत मेहनत करते हैं, आज आपको जितने भी जानवर की दिखाएगा भाई या पक्षी की वो आज आपको लाइव दिखाएंगे हम, ठीक है। अब अगली वीडियो दिखाते हैं आपको भाई कौवे की, देखते हैं आज कौवे की आवाज निकालते हैं आकाश भाई, नहीं ठीक है चलो देखते हैं भाई आज कौवे की आवाज निकलवाते भाई, निकालो के दिखाओ भाई आकाश भाई। ये देखिए भाई रियल है, बिल्कुल आवाज रियल है आकाश भाई की, बिल्कुल कौवे भी दिखाते हैं आपको भाई घूमते हुए, देखो कौवे भी इकट्ठे होते हैं इनके आवाज से, देखो बहुत फैन है मतलब इनके कौवे भाई, बहुत अच्छा आकाश भाई। ये देखो कौवे के भी इकट्ठे हो चुके हैं भाई, देखिए भाई ये देखिए आकाश भाई ने बहुत अच्छी आवाज निकाली भाई, आज आपको दिखाते हैं भाई कौवे भी इनके आवाज से इकट्ठे हो चुके हैं भाई, ये देखे दिखाओ भाई जूम कर लिया वो कर दी, देखे भाई कौवे भी इकट्ठे हो चुके हैं, देखो भाई कितने सारे कौवे हो चुके हैं, रियल आवाज इनके भाई रियल एकदम। तो बहुत अच्छा आकाश भाई आपने कौवे की आवाज बहुत अच्छी निकाली भाई, तो एक आपसे लास्ट डायलॉग सुनते हैं हम भाई, लेडीज की आवाज निकाल के देखो हमें, लेडीज की आवाज धर्मिंदर जी का डायलॉग लेता हूँ, मेरा बहुत फेमस डायलॉग है, स्कूल में भी उठाता हूँ मेरे, तो उनका डायलॉग लेते हैं। कुत्ते मैं तेरे खुद पी जाऊंगा, बस ती तब इन कुत्तों के सामने मत नाचना। अरे धर्मिंदर तू बावड़ो तो ना, अरे तू बावड़ो तो ना, तन्ने मुझे टोटो के खोड़ी में ना नाचन दिया, मैं तो नाचूंगी, बजा रे बजा तू बजा बजा रे बजा। तो वो चल बहुत अच्छा आकाश भाई, बहुत बढ़िया आपने धर्मेंद्र लोग और लेडीज से बात बहुत अच्छी निकाली भाई, तो बहुत अच्छा आकाश भाई आज भाई बहुत मेहनत करते हैं आकाश भाई भी हमारे बहुत अच्छे भाई, इनका यूट्यूब चैनल भी है भाई आकाश सैनी 143 भाई, उस पर बहुत अच्छी अच्छी वीडियो आपको मिलेगी मिमिक्री की, सभी की आवाज़ निकालते हैं भाई, और आज आपको भी भाई सचिन हंस खिलाड़ी से मैं मिलाता हूँ भाई, जो हमारे साथ सॉन्ग में है भाई, सॉन्ग बनाते हैं और मेरा नए सॉन्ग भी आने वाला है बहुत जल्द भाई, तो सचिन कुमार हंस खिलाड़ी आइए आप, मैं तो क्यों आ जाओ आ जाओ सचिन हंस खिलाड़ी कुमार भाई आप आओ। नमस्कार दोस्तों, हमारा एक यूट्यूब चैनल है, ज़्यादा बड़ा चैनल तो है नहीं है वैसे, हमारे यूट्यूब का नाम आरबीएस किंग राइटर के नाम से हमारे यूट्यूब का चैनल है, हमारे आकाश भाई हैं बढ़िया मिमिक्री करते हैं, ये इन्होंने वैसे बढ़िया बहुत बढ़िया मिमिक्री करी है जानवरों की, आर्टिस्ट एक्टर की, अब देख लो आप ये इनके बारे में ये क्या बोलते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी इसलिए मैंने और एक्टर की आवाज़ नहीं निकाली, और अगर जो आपको ये वीडियो मेरी पसंद आवे तो कमेंट में मुझे जरूर बताना, आगे और एक्टर की आवाज़ लाएंगे हम। तो दोस्तों ये दोनों भाई बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई, सॉन्ग बना रहे हैं दोनों भाई साहब, अभी ऐसा कुछ नहीं है सॉन्ग ही बना रहे हैं, ये भी रिस्क ले रहे हैं, लोग बाग सोचता हूँ बहुत इनकम आती होगी ना, करोड़ रुपया मिलता है सॉन्ग में, ऐसा कुछ नहीं है, अभी तक इनका चैनल ना मोनेटाइज होया ना कुछ होया, अभी रिक्स ले रहे हैं 2.5 लाख रुपये इन्होंने छूट चुके हैं, अभी इनके 2 सॉन्ग आएंगे एक साथ, तो इनका आरबीएस किंग राइटर के नाम से यूट्यूब पर चैनल सर्च करना एक बार, भाई का सॉन्ग देना कट ना कराए, इन्होंने सॉन्ग बनाया ठाले जा चमार का सॉन्ग बनाया, बहुत प्यार सॉन्ग बनाए, अब 2 सॉन्ग इनके एक साथ आएंगे, तो भाई को जरा सपोर्ट करना थोड़ा, ये राइटर हैं खुद ही लिखते हैं, मतलब कि एक्टर भी यही है राइटर भी यही है, तो भाई को सपोर्ट करना, मिलते हैं आगे कभी मौका लगा, अगर जो आपको वीडियो पसंद आएगी तो मैं जरूर आपके लिए वीडियो बनाऊंगा जी भाई, बहुत अच्छे भी मेहनत करते हैं भाई आकाश भाई, बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं भाई, आप देख कर जरूर बताना भाई कि इनकी वीडियो कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना भाई अच्छी है या बुरी है, ठीक है भाई जरूर बताना भाई, बहुत मेहनत करते हैं हमारे भाई आकाश भाई, इनका यूट्यूब चैनल भी है आपको एक बार और बता देता हूँ भाई, जरूर जाके देखना सर्च करके देखना, बहुत अच्छी वीडियो मिलेगी आकाश सैनी 143 ठीक है, तो इसी बात पर हम भाई वो करते हैं, नमस्कार दोस्तों जाते हो और चैनल को लाइक करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।